भारत की 5 दलीलों से पाकिस्तान की बोलती हो गई है बंद। भारत की 5 दलीलों से इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान हुआ पूरी तरह बेपर्दा। अब जाधव मामले में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल बस खुलने ही वाली है। जी हाँ, पाकिस्तान की बदमिजाजी के बाद अब जाधव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है और यहाँ अब पाकिस्तान के पूरी तरह बेनकाब होने का माहौल बन चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कोर्ट में 5 बड़ी दलीलें दी हैं। सुनिए क्या हैं ये दलीलें। भारत की पहली दलील, काउंसलर एक्सेस न देकर अन्याय किया गया है। भारत ने कोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने जानबूझकर काउंसलर एक्सेस नहीं दिया और उसने आरोपी के साथ अन्याय किया। दूसरी दलील, निर्दोष को क्यों किया कैद। भारत की दलील के मुताबिक जाधव एक निर्दोष भारतीय नागरिक है और उसे जानबूझकर पाकिस्तान ने 1 साल से जेल में कैद कर रखा है। ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। ये वियना नियमों का भी उल्लंघन है जिसका फौरन निष्पादन किया जाना चाहिए। तीसरी दलील, जाधव के ट्रायल के दस्तावेज भारत से क्यों छिपाए गए। भारत की दलील के मुताबिक पाकिस्तान लगातार काउंसलर एक्सेस को मना करता रहा और इतना ही नहीं, इस्लामाबाद ने बार बार मांगे जाने के बावजूद जाधव के ट्रायल का कोई भी दस्तावेज भारत को नहीं सौंपा। चौथी दलील, 16 बार क्यों ठुकराया गया राजनयिक आग्रह। कुलभूषण जाधव से राजनयिक मुलाकात करने देने के भारतीय आग्रहों को पाकिस्तान ने 16 बार ठुकराया। ये वियना समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन है। इतना ही नहीं, जाधव के परिजनों को उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान ने वीजा तक नहीं दिया। ये भी बहुत अमानवीय है। पांचवी दलील, पाकिस्तान ने जाधव को ईरान से अगवा किया। भारत की दलील के मुताबिक पाकिस्तान ने जाधव को पाकिस्तान में कहीं गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उन्हें ईरान से अगवा किया और बाद में पाकिस्तान की जेल में ले जाकर बंद कर दिया। जाधव भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हुए थे जिसके बाद वो ईरान में रहकर व्यापार कर रहे थे। भारत की इन 5 बड़ी दलीलों के बाद अब कोर्ट में पाकिस्तान की बोलती बंद है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।